Hi everyone, welcome to. Hi everyone, welcome to Prep IAS. This is Rajnija, and this class is a continuation of the current affairs of science and technology. So before I go ahead with today's session, I would like to bring to your notice this 3 months free crash course जो अभी चल रहा है UPSC prelims 2021 के लिए. कोर्स 17 मार्च को शुरू हो गया था, 20 जून तक चलेगा. इसमें बहुत सारी आपको फीचर्स मिल जाएंगे जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. दिस इज द फैकल्टी डिटेल्स और डिटेल्स शेड्यूल और रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. सो दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी रेड. चलिए चलते हैं उस टॉपिक पे जो हमें आज कवर करना है. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी नीड टू कवर इज स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप. देखिए, स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप क्या है. नाउ स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी थी, SKAEO ऑब्जर्वेटरी काउंसिल है, जो कि जिसकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने अप्रूव कर दिया था कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाएंगे, उसको एस्टैब्लिश करेंगे. ठीक है, अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है. क्यों माना जा रहा है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसके जस्ट पहले क्या हुआ था, जो प्रोलिफिक रेडियो टेलीस्कोप्स थे इन द वर्ल्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेडियो टेलीस्कोप्स थे वर्ल्ड के, उनका उनमें से एक का कोलैप्स हो गया था. ठीक है, किसका? द अरेसीबो इन पोर्टोरिको. ये दिसंबर में हुआ था. तो इसी के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाएंगे. अब SKAEO की बात करें तो ये एक नया इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली किसके लिए डेडिकेटेड है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए. और वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर है यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम्स. अभी देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में 10 कंट्रीज हैं जो कि एक पार्ट, जो SKAEO का पार्ट है. इन 10 कंट्रीज का नाम आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ SKAEO, तो आपको पता तो होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज है. या पूछ ले आपको विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ SKAEO, राइट? तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नेदरलैंड्स एंड यूके. दीज आर द पार्ट ऑफ SKAEO. देन रेडियो टेलीस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है. रेडियो टेलीस्कोप का काम होता है रेडियो रिसीवर, मतलब इसमें क्या है, एक रेडियो रिसीवर होगा, एक एंटेना सिस्टम होगा, और इसका काम होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को डिटेक्ट करना. ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी होगी, करीब 10 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक. ठीक है, 10 मीटर्स यानी कि 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक इसका रेंज होता है, जो बेसिकली जितने भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्सेज हैं, जैसे कि स्टार्स हो गए, गैलेक्सी हो गए, जो स्पेस में है, वो एमिट करते हैं, तो उनको डिटेक्ट करना रेडियो टेलीस्कोप का काम होता है. ऑप्टिकल टेलीस्कोप में क्या होगा, ऑप्टिकल टेलीस्कोप में आप इनविजिबल गैसेस को डिटेक्ट नहीं कर सकते, जबकि रेडियो टेलीस्कोप में आप इनविजिबल गैसेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो एरियाज जिसमें मतलब जिनका ज्यादा हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ कॉस्मिक डस्ट है, ज्यादा बहुत ही प्रोमिनेंट चीजें नहीं है जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप कवर कर ले, उनको भी रेडियो टेलीस्कोप आराम से डिटेक्ट करके उन एरियाज के बारे में रिवील कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट, कॉस्मिक डस्ट क्या होता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया वो एरिया जिनमें कॉस्मिक डस्ट है, तो उसको ऑप्टिकल टेलीस्कोप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है. कॉस्मिक डस्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड मटेरियल के, जो स्पेस में स्टार्स के बीच में फ्लोट करते रहते हैं. ठीक है, जब पहली बार रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया गया था 1930s में, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया था, एक रेडियो टेलीस्कोप को यूज किया था ताकि रेडियो वेव को डिटेक्ट किया जा सके. वो रेडियो वेव कौन एमिट करता है, यूनिवर्स में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एमिट करते हैं, और फिर उसी के थ्रू उनको एक्सप्लोर किया जाता है. नासा के हिसाब से, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, रेडियो एस्ट्रोनॉमी का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो इवॉल्व हुआ है, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इवॉल्व हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल बन गया है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी टेलीस्कोप की, जिस टेलीस्कोप की हमने अभी बात की थी, जो कि कोलैप्स हो गया था, एरेसीबो टेलीस्कोप. तो एरेसीबो टेलीस्कोप पुर्तोरिको में सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल डिश टेलीस्कोप है वर्ल्ड का, जो कोलैप्स हो गया था दिसंबर 2020 के अंदर. और अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप कौन सा है, सेकेंड लार्जेस्ट तो ये था जो कोलैप्स हो गया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन सा है, तो चाइना का स्काई आई इज वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप. इस टेलीस्कोप को बनाया गया था 1963 के अंदर, और इसके पावरफुल रडार की वजह से साइंटिस्ट ने इसका कहां पे इस्तेमाल किया, प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, एस्ट्रॉइड्स को ऑब्जर्व करने के लिए, आइनोस्फेयर को ऑब्जर्व करने के लिए, और अलग अलग डिस्कवरी की उन्होंने, जिसमें से बहुत सारी, जैसे कि जो डिस्टेंट गैलेक्सीज है, जो दूर की गैलेक्सीज हैं, उनमें मॉलिक्यूल्स को ढूंढना. ठीक है, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स को ढूंढना, पहला एक्सोप्लैनेट जो हमारे
गैलेक्सी के बाहर प्लेनेट है, पहला एक्सो प्लेनेट ढूंढना, फिर पहला मिली सेकेंड पल्सर, इन सबका आइडेंटिफिकेशन, सबका डिस्कवरी इसी वजह से, इसी टेलीस्कोप की वजह से हुआ है। ठीक है, तो किसकी बात हम कर रहे थे, एरेसिबो की बात कर रहे थे। नेक्स्ट इज स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप, जो अभी हम जिसकी रिसेंटली जिसको बनाने का प्रपोजल रखा गया है। तो ये टेलीस्कोप वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप होगा और इसको लोकेट किया जाएगा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए इसके अंदर फायदा क्या है, इसके अंदर फायदा देखिए, पहले तो आपको मैं बता दूं कि एसकेए की डेवलपमेंट की वजह से मतलब एसकेए की डेवलपमेंट किसकी वजह से होगी, इसके ये बहुत सारे एक सर्वेज हुए थे, बहुत सारे रिसर्च हुए थे एक दूसरे पावरफुल टेलीस्कोप को यूज करके, ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथ फाइंडर। तो इसका जो एसकेए का डेवलपमेंट होगा वो इसके बेसिस पे होगा, एएसकेएपी के, यानी कि ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथ फाइंडर, इसके बेसिस पे इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके जो सर्वेज हुए थे उनके बेसिस पे इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। अब जो ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथ फाइंडर है, इसको किसने डेवलप और ऑपरेट किया है, तो इसको इसका डेवलपमेंट और ऑपरेशन दोनों ही ऑस्ट्रेलिया की साइंस एजेंसी यानी कि कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सीएसआईआरओ द्वारा किया गया है। ये टेलीस्कोप जो फुल्ली फंक्शनल हो गया था, फुल्ली ऑपरेशनल हो गया था फरवरी 2019 के अंदर ही। इसने अभी तक करीब 3 मिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज को मैप किया है 300 आवर्स के अंदर अंदर ही, जो कि खुद में एक रिकॉर्ड है। अब इसके जो सर्वेज हैं, इनसे इनसे क्या होगा, इनसे आप यूनिवर्स का एवोल्यूशन डिजाइन कर मैप कर सकते हैं, स्ट्रक्चर मैप कर सकते हैं। और ये होता कैसे है कि हम क्या करते हैं, इन टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके जो गैलेक्सीज हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनके अंदर कितना हाइड्रोजन है वो ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बेसिस में हम स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन इन यूनिवर्स का मैप करने की कोशिश करते हैं। इसके मेंटेनेंस में कितना टाइम लगेगा, क्या मतलब कौन मेंटेनेंस करेगा इसकी, तो इसका ऑपरेशन, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन, ये तीनों चीजें एसकेएओ ही करेगा। कंप्लीशन की बात करें तो इसका कंप्लीशन बोला जा रहा है कि इसके कंप्लीशन में अराउंड 10 साल लग जाएंगे और 1.8 बिलियन पाउंड्स का कॉस्ट आएगा। सिग्निफिकेंस क्या है, अगेन यही जो मेजर, क्योंकि मैंने आपको बताया ये टेलीस्कोप रेडियो टेलीस्कोप वर्ल्ड लार्जेस्ट है, तो ये उन एरियाज को भी फाइंड कर सकता है जहां पे सिर्फ डस्ट है, यानी कि जहां पर सिर्फ नॉर्मल टेलीस्कोप कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाते, उनको भी फाइंड आउट कर सकता है। तो ये किसमें हेल्प करेगा, यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ है उसमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में, कब पहली बार, कब और कैसे पहले जो स्टार्स बने थे वो बने थे, गैलेक्सी की लाइफ साइकिल क्या होती है, या जो टेक्नोलॉजिकली एक्टिव सिविलाइजेशन है कहीं और गैलेक्सी के अंदर, कोई और अगर सिविलाइजेशन है तो उसको एक्सप्लोर करने, उसकी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के काम आएगा, और ग्रेविटेशनल वेव्स कहाँ से आती हैं ये आइडेंटिफाई करने के काम आएगा ये। ठीक है, फंक्शन में आपको इसका बता चुकी हूँ कि नासा के हिसाब से टेलीस्कोप अपना साइंटिफिक गोल कैसे अकॉम्प्लिश करेगा, बाय मेजरिंग न्यूट्रल हाइड्रोजन ओवर कॉस्मिक टाइम, ये न्यूट्रल हाइड्रोजन को मेजर करता है। उसके बाद जो पल्सर है, मैंने आपको बताया था मिली सेकेंड्स का पल्सर से सिग्नल को टाइम करेगा मिल्की वे गैलेक्सी में, और इसी एंड अल्टीमेटली जो बहुत सारे गैलेक्सीज है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, उनको डिटेक्ट करेगा ड्यू टू रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, जब रेड वेवलेंथ की तरफ से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की तरफ जब शिफ्ट कर जाता है उसको रेड शिफ्ट कहते हैं। उसका फायदा ये होता है कि उस वेवलेंथ में जो नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स विजिबल नहीं होते वो भी वहां पे विजिबल हो जाते हैं, तो उनको भी डिटेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज आती है, यूवी ब्राइट स्टार्स स्पॉटेड इन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एनजीसी 2808। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बहुत ही रेयर हॉट यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट ब्राइट स्टार को स्पॉट किया है, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी में ही, जिसका नाम है एनजीसी 2808। और इसमें किसने हेल्प की थी, एस्ट्रोनॉमर्स की हेल्प की थी, इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस सैटेलाइट, कौन सा है, मल्टी वेवलेंथ स्पेस सैटेलाइट, एस्ट्रोसैट। तो एस्ट्रोसैट ने हेल्प किया है एस्ट्रोनॉमर्स को टू फाइंड दिस आउट, दिस रेयर हॉट अल्ट्रावायलेट ब्राइट स्टार एनजीसी 2808 को फाइंड आउट करने में। साइंटिस्ट ने क्या किया, अल्ट्रावायलेट जो इमेजिंग टेलीस्कोप होता है एस्ट्रोसैट पे, उसके डेटा को कंबाइन कर दिया अपने ऑब्जर्वेशन के साथ, जो पहले ऑब्जर्वेशन बनाए गए थे स्पेस मिशन में, जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप है या गया टेलीस्कोप है, उनके थ्रू जो ऑब्जर्वेशन किए गए थे उनको इन्होंने अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के डेटा के साथ कंबाइन किया और उसके थ्रू ये डिस्कवरी हुई है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, यू नीड टू नो अबाउट दिस एज वेल, हबल स्पेस टेलीस्कोप यानी कि एचएसटी, ये एक स्पेस टेलीस्कोप है
जिसको लॉन्च किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरली जहां पे भी लॉन्च किया जाता है जो कौन सा ऑर्बिट है ये आपका पता लगाना जरूरी है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया था 1990 में और तब से ये ऑपरेशन में है। और इसके अलावा ये जो कुछ लार्जेस्ट मोस्ट वर्सेटाइल स्पेस टेलीस्कोप है उनमें से भी एक आता है। फिर गया स्पेस ऑब्जर्वेटरी की हम बात करते हैं, ये किसकी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है। इसको 2013 में लॉन्च किया गया था, 2022 तक ये ऑपरेट करेगा। इसको इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि एस्ट्रोमेट्री यानी कि जो स्टार्स हैं उनका पोजीशन, डिस्टेंस, मोशन ये सब वो आइडेंटिफाई और मेजर कर सके विद अटमोस्ट प्रिसिजन यानी कि एकदम एक्यूरेसी के साथ ये मेजर कर सके। अब 34 यूवी ब्राइट स्टार्स, करीब 34 यूवी ब्राइट स्टार्स फाइंड आउट किए गए हैं। जो मैंने आपको बताया NGC 2808 है वो एक क्लस्टर है जिसके अंदर 34 अल्ट्रावायलेट ब्राइट स्टार्स हैं। एंड इसमें से अगर देखा जाए तो एक ब्राइट स्टार ऐसा है जो कि बाकी सबसे यानी कि सन से, बाकी सब इन द सेंस सन से 3000 टाइम्स ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। और उसका सरफेस टेम्परेचर 1 लाख केल्विन है, विच इज अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, 1 लाख केल्विन है। ओके नेक्स्ट, जो इसमें ज्यादातर स्टार्स को फाइंड आउट किया गया है वो सोलर स्टेज से आए हैं, ठीक है। सोलर स्टेज जिसको हॉरिजॉन्टल ब्रांच स्टार कहा जाता है, और इनके सोलर स्टेज से आए तो इनका आउटर एनवेलप जो है वो है नहीं, या तो है नहीं या बहुत ही लाइट है। तो इनका आउटर एनवेलप ऐसा लाइट है, लाइट है या फिर है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है जो मेजर फेज हुआ होगा लास्ट वाला, लाइफ का जो मेजर फेज हुआ है यानी कि जो एसिम्प्टोमेटिक जाइंट फेज है, जिसका मतलब जो स्टार्स की लाइफ का लास्ट सबसे बड़ा फेज था उसमें से ये स्किप कर गया होगा, ठीक है। और उसमें से स्किप करके ये डायरेक्टली व्हाइट ड्वार्फ बन गए। व्हाइट ड्वार्फ क्या होते हैं, जो भी डेड रेमनेंट्स हैं या जो डेड पार्ट्स हैं स्टार्स के उनको व्हाइट ड्वार्फ आप कह सकते हो। इसकी भी पूरी थ्योरी है, वो मैं आपको या तो एंड में समझा दूंगी या फिर आप एक बार अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर मैंने जो आपको ये बताया हॉरिजॉन्टल ब्रांच स्टार, जो ये सोलर स्टेज है हॉरिजॉन्टल ब्रांच स्टार की, ये एक ऐसी स्टेज है स्टार के एवोल्यूशन की जिसमें डायरेक्टली रेड जाइंट ब्रांच के साथ तुरंत बाद हॉरिजॉन्टल ब्रांच आया था। मतलब दो स्टेजेस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। पहला रेड जाइंट ब्रांच और उसके तुरंत बाद आया था हॉरिजॉन्टल ब्रांच। तो ये क्या बताते हैं कि हॉरिजॉन्टल ब्रांच से आए हैं, वहीं से इवॉल्व हुए हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्या फाइंड आउट करेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स यानी कि कितना टेम्परेचर है, ल्यूमिनोसिटी है, कितना रेडियस है, ये सब फाइंड आउट करेगा। इसके अलावा स्टार्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, स्टार्स कैसे इवॉल्व हुए थ्रू वेरियस स्टेजेस, बर्थ से लेकर डेथ तक, ये भी फाइंड आउट होगा इसका, इसके थ्रू इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। फिर अभी तक ये क्लियर नहीं है कि स्टार्स और इनकी लाइफ्स किस तरीके से फास्ट इवॉल्विंग फेजेस में बढ़ती रहती है, ठीक है, यानी कि डेथ कैसे होता है ये क्लियर नहीं है अभी तक। इसमें भी ये हेल्प करेगा। देन यूवी रेडिएशन, यूवी ब्राइट स्टार्स बेसिकली एक रीजन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, जो ओल्ड स्टार सिस्टम से आता रहता है उसके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, तो ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। NGC 2808 के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक क्लस्टर है, मतलब इसमें क्या है बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है, यूवी अल्ट्रावायलेट स्टार्स हैं बहुत सारे, और ये किसका पार्ट है, ये कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है जिसका नाम है कैरिना, क्लियर। ये क्लस्टर मिल्की वे गैलेक्सी को ही बिलोंग करता है और यहाँ पर बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, मैसिव क्लस्टर एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स है। इनका जो एज बताया जा रहा है ये करीब 12.5 बिलियन ईयर्स पुराने बताए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसमें एटलीस्ट 5 जनरेशन है स्टार्स के, ठीक है। स्टार्स एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नेबुला होता है। नेबुला क्या है, एक क्लाउड है गैसेस का जिसके अंदर मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम होगा, ठीक है, गैसेस का है जिसके अंदर मोस्टली क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम होगा और डस्ट होगा स्पेस में, ठीक है। तो ये ऐसा माना जाता है यही नेबुला से बाद में स्टार्स बनते हैं। अब सवाल उठता है मेन सीक्वेंस स्टार्स क्या होते हैं। मेन सीक्वेंस स्टार्स वो स्टार्स हैं जो हाइड्रोजन एटम को फ्यूज करते हैं ताकि हीलियम एटम बन सके उनके सेंटर में, ठीक है। 90% जो हमारे यूनिवर्स में स्टार्स हैं वो सीक्वेंस स्टार्स हैं, और सन सबसे इंपॉर्टेंट एक सीक्वेंस स्टार, उसमें भी यही होता है हाइड्रोजन से हीलियम फॉर्म होता है। अब इनका जब लाइफ एंड होगा तो एक स्टार जैसे कि सन है वो स्वेल अप हो जाएगा एक बड़े रेड जाइंट में,
और उसके बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो जाएगा, उसके बाद एज अ यू नो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो जैसे वो बाहर की तरफ एनर्जी आएगी, फाइनली वो इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, अल्टीमेटली वो श्रिंक हो जाएगा और एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, जो मैंने बताया था डेथ ऑफ स्टार, ठीक है। तो एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, मतलब एक व्हाइट छोटा सा सर्कल रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड द डेथ ऑफ द स्टार और व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। रेड ड्वार्फ की जब हम बात करते हैं, तो रेड ड्वार्फ मेन सीक्वेंस स्टार, ठीक है, उसका फेंटेस्ट फॉर्म है, मतलब जैसे अगर सन की ब्राइटनेस की बात करते हैं, तो उसका 1/1000 है उसकी स्टार की जो जो उसकी ब्राइटनेस है वो 1/1000 है, विच इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द मेन सीक्वेंस स्टार, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें रेड ड्वार्फ की, तो उसका एक एग्जाम्पल है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये सन के नियरेस्ट स्टार है, आपसे पूछा भी गया था एक बार कि सन का नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो नियरेस्ट प्रोक्सिमा क्या होता है, प्रोक्सिम मतलब होता है पास में, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सन का नियरेस्ट स्टार है, विच इज एक्चुअली अ ड्वार्फ स्टार, रेड ड्वार्फ, ठीक है, विच इज एक्चुअली अ रेड ड्वार्फ। वन सेकेंड, ओके, नेक्स्ट आता है रेड जाइंट। रेड जाइंट क्या है, इनका डायमीटर करीब 10 से लेके 100 टाइम्स हो सकता है सन का, तभी नाम है रेड जाइंट, बहुत बड़ा है, बहुत बहुत ब्राइट होते हैं ये, सरफेस टेम्परेचर इनका सन से कम होता है। रेड जाइंट कब बनेगा, जब स्टार के एवोल्यूशन के बाद के स्टेजेस आते हैं ना, जब उसमें हाइड्रोजन खत्म होने लग जाता है सेंटर में, तब ये रेड जाइंट वाला स्टेज बनता है। जो काफी बड़ा एक रेड जाइंट का स्टेज है, उसको कहते हैं रेड सुपर जाइंट, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, रेड सुपर जाइंट। फिर प्लेनेटरी नेबुला की बात करते हैं, तो अगेन प्लेनेटरी नेबुला क्या है, आउटर लेयर है गैसेस का, डस्ट का, जो स्टार, जैसे जब स्टार चेंज करेगा, कब, रेड जाइंट से व्हाइट जाइंट, व्हाइट ड्वार्फ में जब जाता है, तो क्या होगा, जो आउटर लेयर ऑफ गैसेस है वो धीरे धीरे करके लूज करता जाता है, ठीक है। सो दैट इज प्लेनेटरी नेबुला, जो आउटर लेयर है। व्हाइट ड्वार्फ मैंने अभी आपको बताया, बहुत ही स्मॉल हॉट स्टार है, लास्ट स्टेज है लाइफ साइकिल का, स्टार के लाइफ साइकिल का, ठीक है। ये वो वाला टाइम है जब सारी न्यूक्लियर एनर्जी पूरी तरीके से यूज अप हो चुकी है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका साइज बहुत छोटा होता है। देन नोवा की बात करते हैं। नोवा क्या है, इट अकर्स ऑन द सर्फेस ऑफ व्हाइट ड्वार्फ इन अ बाइनरी सिस्टम। देखिए अब क्या होगा, जब दो स्टार्स किसी भी सिस्टम के बिल्कुल पास आ जाए, सफिशियंटली नियर है एक दूसरे के, तो जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, सरफेस, जो स्टार का जो सरफेस है, वहां से व्हाइट व्हाइट ड्वार्फ की तरफ खींचेगा। अब जब बहुत सारा मटेरियल बिल्डअप हो गया है सेंटर में, व्हाइट ड्वार्फ के सेंटर में बहुत सारा मटेरियल बिल्डअप हो जाए, तो वो क्या करेगा, फिर से मटेरियल ज्यादा हो गया तो फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होने लग जाएगा व्हाइट ड्वार्फ में, जिसकी वजह से अचानक से वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हमें पता है कि ब्राइटनेस होती है स्टार्स में। तो व्हाइट ड्वार्फ क्या करता है, वो सरफेस है स्टार, दूसरे जो साइड वाला सरफेस है स्टार का सरफेस है, जैसे दो बाइनरी सिस्टम है, ठीक है, बाइनरी सिस्टम यानी कि दो स्टार्स है, ये है व्हाइट ड्वार्फ, ये है नॉर्मल वाला, तो नॉर्मल वाले से वो क्या करता है, हाइड्रोजन पुल अप करता रहता है, करता रहता है, इसके सेंटर में जब बहुत सारा हाइड्रोजन आ जाएगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर से स्टार बहुत ब्राइट लगने लगता है, दैट इज कॉल्ड नोवा। अब सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा इज एक्चुअली डेथ ऑफ स्टार अगेन। ये क्या होगा, जब बहुत सारा हमने देखा सेंटर में बहुत सारा ब्राइटनेस हो गई है, बहुत सारा न्यूक्लियर मटेरियल आ गया है, तो अचानक से एक्सप्लोजन होता है स्टार का, ठीक है, और इस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा कहते हैं, ठीक है, इस एक्सप्लोसिव डेथ को सुपरनोवा कहा जाता है। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। चलिए अब यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है वो जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रॉन स्टार का भी है। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार जो मैसिव सुपर जाइंट स्टार अभी हमने पढ़ा, उसका जब सेंटर कोलैप्स हो गया है उसको न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, ठीक है, उसका जो सेंटर कोलैप्स हो गया है उसको न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ स्टार का, ठीक है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया, तो जो सेंटर वाला मटेरियल है जो कोलैप्स्ड है वो न्यूट्रॉन स्टार है, और उसी से अगर जो मास है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि न्यूट्रॉन स्टार पूरी तरीके से श्रिंक होके एक ब्लैक होल बना लेता है। तो ये जो एक्सप्लोसिव डेथ है उसके बाद या तो न्यूट्रॉन स्टार हो जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, बहुत ज्यादा सॉरी मास है, तो उसकी वजह से ग्रेविटी ज्यादा रहेगी और वो श्रिंक होके एक ब्लैक होल बन जाएगा। क्लियर, बट शुरू कहां से होता है, शुरू होता है इस नेबुला स्टेज से, ठीक है। नेबुला से क्या होगा,
यहाँ पर मेन सीक्वेंस स्टार में बनेगा, नेबुला से लार्ज स्टार होगा, वहां से आप देखेंगे कि वो फ्यूज करते 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 मेन सीक्वेंस स्टार बन सकता है। देन उसके बाद रेड सुपर जाइंट बनता है, जैसे जैसे स्टार जब बड़े बड़े रेड जाइंट स्टार है वो कंडेंस होंगे तो वो और ज्यादा हीटअप होने लग जाते हैं, और जो एंड का हाइड्रोजन है वो बर्न अप होने लग जाता है, इसकी वजह से आउटर लेयर में एक्सप्लोजन हो जाएगी, जिसको कहेंगे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन को। ठीक है, नेबुला का एक और है जिसमें स्मॉल स्टार बनेगा, स्मॉल स्टार से रेड जाइंट बनता है। ठीक है, अब रेड जाइंट से क्या होगा, रेड जाइंट से यहाँ पर आप आगे चलकर देखोगे ये अल्टीमेटली ये प्लेनेटरी नेबुला है, जहां पे आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ गैसेस डस्टी ये सब बाहर निकलने लग जाएगी, ठीक है, हटने लग जाएगी, और अल्टीमेटली ये व्हाइट ड्वार्फ के रूप में सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से दो इसका पाथवे आपको देखने को मिल सकता है, इसको आप दोबारा से एक बार देख के जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो सब जरूर पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं एस्ट्रोसैट, जैसे मैंने एस्ट्रोसैट भी बताया था आपको, तो ये एक मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी मिशन है, ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग क्लास सैटेलाइट का। लॉन्च कब हुआ था, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से बाय इसरो, और इसका लॉन्च व्हीकल क्या था, पीएसएलवी। ठीक है, इंडियन लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी पे इसको लॉन्च किया गया था। देन अगर देखा जाए तो ये पहला डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है जिसका मेन काम था सेलेस्टियल सोर्सेस को स्टडी करना। ठीक है, किसमें, एक्सरे में, ऑप्टिकल में और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स में इसको स्टडी करना। ठीक है, देन इसका यूनिक फीचर अगर देखा जाए तो वो ये है कि ये साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशंस करता है। सामने देखा ना कि अलग अलग एक्सरे में, ऑप्टिकल में, यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स में इसको स्टडी करना है, तो ये साइमल्टेनियसली अलग अलग वेवलेंथ के, बहुत सारे वेवलेंथ के ऑब्जर्वेशन ये कर सकता है विद अ सिंगल सेटेलाइट। क्लियर, अब मैं एस्ट्रोसैट की अगर बात करती हूँ तो जो ग्राउंड कमांड या कंट्रोल सेंटर है एस्ट्रोसैट का, वो इसरो में लोकेटेड है। ठीक है, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क ISTRAC बैंगलोर इंडिया में लोकेटेड है। ओके, एंड मिनिमम लाइफ जो है एस्ट्रोसैट मिशन की, इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी 5 इयर्स। क्लियर, मिनिमम लाइफ वाज एक्सपेक्टेड टू बी 5 इयर्स। मुकुंदपुरा मीट्रॉइड की बात करते हैं तो एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से जो मीट्रॉइड की मिनरोलॉजी, यानी मीट्रॉइड में जो मिनरल्स हैं, ठीक है, उसका नाम रखा गया है मुकुंदपुरा CM2, राइट, जो अभी एक मीट्रोइड गिरा था, कहां पे, मुकुंदपुरा विलेज में गिरा था जो कि जयपुर के पास है 2017 में, तो उसका जो मिनरल है उसका नाम रखा गया है मुकुंदपुरा CM2। मीट्रोइड क्या होता है, हमने पढ़ा था सॉलिड पीस है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में उसका जो सॉलिड पीस एक डेब्री बस जाता है, जैसे कॉमेट है, एस्ट्रॉइड्स है, मीट्रोइड्स है, ये सब क्या करेंगे, आउटर स्पेस में ओरिजिनेट करते हैं, मतलब बाहर अंतरिक्ष में ओरिजिनेट करते हैं, फिर ये अर्थ के सरफेस पे आते हैं, एटमॉस्फेयर को सरवाइव करके किसी भी प्लैनेट के या मून के सरफेस पे गिर जाते हैं। तो ये जो मीट्रोइड है मुकुंदपुरा CM2, इसको बोला गया, इसका जो मिनरोलॉजी है, मतलब ये देखिए मैंने आपको बताया कि जो मीट्रोइड है मुकुंदपुरा CM2, इसमें उन्होंने उसकी जो मिनरल्स है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी मुकुंदपुरा मीट्रोइड की, तो एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से जो 2017 में मुकुंदपुरा विलेज जयपुर में एक मीट्रोइड गिरा था जिसका नाम रखा गया मुकुंदपुरा CM2, उसके मिनरल्स के ऊपर थोड़ा सा लाइट शेड हुआ है, मतलब मिनरल्स के ऊपर पता चला, उसकी मिनरोलॉजी के बारे में पता चला है। मीट्रोइड क्या होते हैं, सॉलिड पीस है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट का, स्पेस के किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो आउटर स्पेस में ही ओरिजिनेट होते हैं और उसके बाद किसी भी प्लैनेट के या मून के सरफेस पे आके गिर जाते हैं। इस मीट्रोइड की बात अगर करें मुकुंदपुरा CM2, तो इसको बोला जा रहा है एक कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट मीट्रोइड है, और कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट का जो कॉम्पोजिशन होता है वो बिल्कुल सूरज की तरह होता है, सन की तरह होता है। कॉन्ड्राइट्स क्या होते हैं, कॉन्ड्राइट सिलिकेट ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, कॉन्ड्राइट्स आर सिलिकेट ड्रॉपलेट्स, उसमें सिलिका है, सिलिकेट ड्रॉपलेट्स है। एंड ये जो मुकुंदपुरा कॉन्ड्राइट है ये फिफ्थ कार्बोनेशियस मीट्रॉइड है जो इंडिया में गिरा है आज तक, इंडिया में जितने भी आज तक मीट्रॉइड गिरे उसमें से पांचवा कार्बोनेशियस मीट्रॉइड है ये। ठीक है, मीट्रॉइड की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो तीन ग्रुप्स में उसको क्लासिफाई किया जाता है। पहला है स्टोनी, यानी कि जिसमें सिलिकेट होगा, दूसरा है आयरन जिसमें आयरन और निकल अलॉय होगा, और तीसरा है स्टोनी आयरन यानी कि वो सिलिकेट आयरन अलॉय है। ठीक है, तीन हो गए, स्टोनी आयरन और स्टोनी आयरन, स्टोनी मतलब सिलिकेट रिच, आयरन मतलब आयरन और निकल रिच उनका अलॉय रिच, एंड स्टोनी आयरन का मतलब सिलिकेट को आयरन अलॉय के साथ उसी में मिला मिला होगा वो। देन मुकुंदपुरा CM2 की बात करें तो ये एक स्टोनी मीट्रॉइड है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सिलिकेट है,
स्टोनी मीट्रॉइट है, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही पुराना एक प्रिमिटिव मीट्रॉइट है और जो सबसे पहले सॉलिड बॉडीज रही होंगे सोलर सिस्टम में उसी का एक बचा हुआ पार्ट है ये। मीट्रॉइड की जब बात करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज के हिसाब से मीट्रॉइड में बहुत हाई फाइलोसिलिकेट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसके अंदर मैग्नीशियम और आयरन दोनों प्रेजेंट होगा। देन फॉस्टेराइट एंड एफईओ ओलिविन कैल्शियम एल्यूमिनियम रिच इंक्लूजन मिनरल्स। अब मिनरल्स के अंदर आपको नाम पता होना चाहिए, फॉस्टेराइट है, एफईओ यानी कि फेरस ऑक्साइड, ओलिविन एंड कैल्शियम एल्यूमिनियम रिच, ठीक है। फिर मैग्नेटाइट सल्फाइड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स कैल्साइट ये भी मिले हैं इसके अंदर। तो अगर देखा जाए मेट्रॉइड के मिनरल्स के बारे में तो वहां पे फाइलोसिलिकेट मिनरल्स आपको मिलेंगे जिसके अंदर मैग्नीशियम आयरन दोनों है, देन फॉर्स्टेराइट एफईओ ओलिविन कैल्शियम एल्यूमिनियम रिच, देन मैग्नेटाइट सल्फाइड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्सेस कैल्साइट्स ये सारे उसके अंदर कॉम्पोनेंट्स मिलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसको स्टडी करने की, क्या जरूरत है एस्ट्रॉइड्स को, तो हमें सोलर सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है एस्ट्रॉइड को स्टडी करके। देन कैसे सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ, सोलर सिस्टम में सन आया, प्लैनेट्स आए, देन मीट्रॉइड का क्या इफेक्ट है। जो जनरली ऐसे देखा जाता है कि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल और मिनरल जो बाकी मिनरल है उनमें रिच होते हैं, तो इनको हम फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीटियोर, मीट्राइड और मीट्रॉइड में क्या डिफरेंस है। जब कोई मीट्रॉइड, ठीक है, ऑइड डी वाले की बात कर रही हूँ, जब कोई मीट्रॉइड अर्थ के एटमोस्फेयर में आ जाए या फिर किसी भी प्लैनेट के एटमोस्फेयर में आ जाए और वहां पर हाई स्पीड की वजह से जलने लग जाए, तो उसको वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट सकता है और वो जला हुआ मतलब बर्निंग स्टार्स के फॉर्म में दिखेगा, फायर बॉल्स के फॉर्म में दिखेगा, जिसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं या मीटियोर कहते हैं। तो मीटियोर जब अर्थ के या किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में आया है और हाई स्पीड की वजह से उसमें आग लग जाती है, तो उसको कहा जाता है शूटिंग स्टार या मीटियोर्स, ठीक है। लेकिन अगर मीटियोर अर्थ के एटमोस्फेयर में आया और उसमें आग नहीं लगी, वो डायरेक्टली ग्राउंड पे आके हिट कर गया, तो उसको कहते हैं मीटेरॉइड, ठीक है। ग्राउंड पे आके हिट कर जाए तो उसको क्या कहेंगे, मीटेरॉइड। ओके अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये कॉमेट है, कॉमेट का क्या होता है, कॉमेट में बेसिकली आइस मिलेगा, ठीक है। आउटर सोलर सिस्टम में ये ओरिजिनेट करते हैं और इसके इसमें इसके अंदर आपको आइस मिलेगा। एस्ट्रॉइड रॉक है, जनरली मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में मिलता है और कई बार ये अर्थ की तरफ आ जाते हैं बाउंस होके और टकराने का डर रहता है। मीटरॉइड ये अगेन एक रॉक है जो कि डस्ट ग्रेन से थोड़ा बड़ा होता है लेकिन एस्ट्रॉइड से काफी छोटा है, देख सकते हैं ये एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड से काफी छोटा है ये। मीटियोर क्या है, जब मीटरॉइड के अंदर अर्थ सरफेस पे आते ही आग लग जाती है, उसको फॉलिंग स्टार, शूटिंग स्टार, वो जब बर्न करता है तो उसको फॉलिंग स्टार, शूटिंग स्टार या मीटियोर कहते हैं। एंड मीटरॉइड क्या है, जब यही मीटरॉइड अर्थ के सर्फेस पे आ जाए और बिना बर्न के अर्थ के सर्फेस पे गिर जाए तो उसको मीटरॉइड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रयान 2 का जब डेटा रिलीज हुआ था इसरो द्वारा, तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट डेटा रिलीज किया था कंट्री का, जो सेकेंड मिशन था मून को चंद्रयान 2 उसका। एंड इंडिया ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, हमें पता है, जो उसका सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था। चंद्रयान फर्स्ट के बाद चंद्रयान 2 आया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था इसको भी, श्रीहरिकोटा यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। फिर उसके बाद चंद्रयान 3 का भी मिशन हुआ था, मतलब प्लान हुआ था कि 2021 में या 2022 में इसको भी रिलीज किया जाएगा, इसको भी शुरू किया जाएगा। इसरो का जो साइंस डेटा आर्काइव है, जो अभी उनके पास साइंस डेटा आर्काइव है, उसके अंदर जितने भी डेटा है जो चंद्रयान 2 पेलोड्स के द्वारा अक्वायर किए गए थे सितंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक, वो सब उसके अंदर है, ठीक है। और ISDA यानी कि इसरो साइंस डेटा आर्काइव एक लॉन्ग टर्म आर्काइव है इसरो प्लेनेटरी मिशन का। जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं वो ढंग से परफॉर्म हो गए हैं और ये दिखा रहा है कि जो मतलब जितना लॉन्च से पहले प्रॉमिस किया गया था वो सब डिलीवर हो जाएगा। चंद्रयान 2 की बात किया जाए तो ये एक इंटीग्रेटेड 3-in-1 स्पेसक्राफ्ट है, 3877 किलोग्राम का है और इसमें आप देखेंगे जो मून का ऑर्बिटर है विक्रम, जो विक्रम साराभाई के नाम के बाद रखा गया है लैंडर, यानी कि मून का ऑर्बिटर विक्रम जो लैंडर है वो, और प्रज्ञान जो रोवर है, ये सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इक्विप्ड हैं ताकि मून को अच्छे से स्टडी कर सके। चंद्रयान 2 क्या है, इंडिया का पहला अटेम्प्ट है ताकि लूनर सरफेस पे लैंड कर सके, ठीक है। इसरो ने प्लान किया था कि साउथ पोल, जो लूनर सरफेस का साउथ पोल है उस पर लैंड करेंगे, लेकिन जो लैंडर विक्रम है
वो बहुत मतलब हार्ड लैंडिंग हुई थी उसकी सितंबर लास्ट ईयर में, क्लियर। और ऑर्बिटर है वो अभी भी लूनर ऑर्बिट में, उस टाइम पे भी लूनर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। उस वो स्टिल इट इज देयर इन द लूनर ऑर्बिट और उसका मिशन लाइफ 7 ईयर्स का है, क्लियर। मेन इसका आइडिया यही था कि टोपोग्राफी, सिस्मोग्राफी और लूनर सरफेस के कॉम्पोजिशन को पढ़ा जा सके, लूनर इनकी मून के कॉम्पोजिशन को, मून के सरफेस के कॉम्पोजिशन को, मून के एटमोस्फेयर को अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। अगर एंशियंट रॉक्स और क्रेटर्स की बात करते हैं हम, तो जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो वो जनरली आपको क्या इंडिकेट करेंगे, मून का कैसे ओरिजिन हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, इसको वो इंडिकेट करते हैं। साउथ पोल रीजन की अगर हम बात करें मून की, तो उसके अंदर भी बहुत सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं फ्रॉम अर्ली सोलर सिस्टम, तो वो हमारे सोलर सिस्टम को, जो पुराना सोलर सिस्टम है हमारा शुरुआत का, उसको समझने में काफी हेल्प कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट विच इज द लास्ट न्यूज ऑफ द डे, इसरो सेटेलाइट लॉन्च की हम बात करते हैं, CMS-01। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने आपको पता है CMS कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, CMS-01 को लॉन्च किया था ऑन PSLV-C50। इम्पोर्टेंट है, CMS-01 को किस पे लॉन्च किया गया था, PSLV-C50 पे, फ्रॉम स्पेस धवन स्पेस सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश, वैसी श्रीहरिकोटा। नवंबर 2020 में इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट यानी कि EOS-01 और बाकी और भी 9 सेटेलाइट को लॉन्च किया था यहाँ पे, ठीक है। CMS-01 की बात करें तो ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट है और ये सी बैंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में इसकी सर्विसेज एक्सटेंडेड होंगी। सी बैंड क्या है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पुरानी क्लासेस जाके जरूर देखें, ठीक है। मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ, सी बैंड एक्चुअली वो एरिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जहां पे जो माइक्रोवेव रेंज है उनकी फ्रीक्वेंसी 4 से लेके 8 GHz तक होती है, क्लियर। इसमें इंडिया का जो मेन लैंड है वो इंक्लूडेड होगा इसके कवरेज में, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स इंक्लूडेड होंगे। सेटेलाइट का अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो इसकी लाइफ स्पैन 7 साल से ज्यादा बताई जा रही थी। एंड सेटेलाइट की बात करें अगर हम, तो इसको स्पेसिफिकली कौन से एरिया में, इसको जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको इंजेक्ट किया गया था और अल्टीमेटली जियोसिंक्रस ऑर्बिट में ये पहुंच गया था, ठीक है। अल्टीमेटली काफी सारे थोड़ा बहुत मनूवर्स के बाद ये जियोसिंक्रस ऑर्बिट में पहुंच गया था। जो GSAT-12 था पहले, ठीक है, उसकी सर्विसेज को रिप्लेस करने का और एनहेंस करने का काम है CMS-01 का। तो आपसे अगर पूछा जाए CMS-01 किसकी सर्विसेज को रिप्लेस या एनहेंस करने के लिए लगाया गया था, तो GSAT-12 के लिए, ठीक है। GSAT-12 अगेन क्योंकि कम्युनिकेशन सेटेलाइट को ही लगाया गया, तो किसी कम्युनिकेशन सेटेलाइट को हटा के लगाया गया होगा, तो GSAT-12 भी क्या है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट है जो इसरो ने बनाया था और इसमें टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, विलेज रिसोर्स सेंटर, इन सब के लिए काफी फंक्शंस है। देन अगर हम इसकी सर्विसेज की बात करें जो अभी वाले की है, तो अभी वाले सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली रूरल एरियाज में सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसरो ने ये विलेज रिसोर्स सेंटर प्रोग्राम लॉन्च किया था एनजीओज और ट्रस्ट के साथ मिलकर। नेक्स्ट लॉन्च जो होगी इसरो की, वो होगी PSLV-C51, जो नेक्स्ट मिशन है इसरो का, वो ये PSLV-C51 कंट्री का पहला सैटेलाइट लेके जाएगा स्पेस रिफॉर्म, ये किस प्रोग्राम के अंदर, स्पेस रिफॉर्म्स प्रोग्राम के अंदर है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया था, गवर्नमेंट ने बताया था स्पेस सेक्टर के बारे में कि हम स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ओपन कर रहे हैं, और जो प्रोग्राम का नाम था वो क्या था, इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस को अगर देखा जाए तो वो बेसिकली इसलिए बनाया गया था ताकि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट और गाइड कर सके स्पेस एक्टिविटीज के अंदर। ये PSLV-C51 पे जो सेटेलाइट होंगे वो कौन से हैं, पिक्सल इंडिया नाम, आनंद, सतीश सैट फ्रॉम स्पेस किड्स इंडिया और यूनिटी सैट फ्रॉम कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटीज, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज। तो कौन सा है, आनंद, सतीश सैट और यूनिटी सैट, ठीक है, ये जाएंगे इस पे। PSLV की बात करें हम, वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बट थोड़ा सा और बता देती हूँ, PSLV थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, पहला लॉन्च व्हीकल है जिसके अंदर लिक्विड स्टेज भी है। फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च जो इसका हुआ था अक्टूबर 1994 में हुआ था। इसमें दो इंपॉर्टेंट मिशंस में इसको यूज किया गया था, चंद्रयान 1 2008 में और मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट 2013 के अंदर। इसके जो PSLV की अगर हम बात करते हैं तो आपको दिखेगा बाकी और दो कौन से लॉन्च व्हीकल हैं जिनका इस्तेमाल होता है, तो वो है GSLV Mark 3 यानी कि जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 एंड GSLV Mark 2, ठीक है। GSLV Mark 2 की बात करें तो ये सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है जो इंडिया में डेवलप हुआ है और अभी ऑपरेशन में है।
फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, इसमें 3 स्टेजेस हैं जिसमें चार लिक्विड स्ट्रैपॉन्स। स्ट्रैपॉन्स क्या होते हैं, जैसे सिलेंडर है तो उसके आसपास अगर जैसे स्ट्रैप्स बने हो, दे आर स्ट्रैपॉन्स। तो स्ट्रैपॉन्स है, चार लिक्विड इसमें स्ट्रैपॉन्स है। और इसमें एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, ये हम ऑलरेडी सारा पढ़ चुके हैं। थर्ड स्टेज जो है जीएसएलवी मार्क 3 की, इसमें क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। देन मार्क 2 की, सॉरी मार्क 3 की बात करें तो इसको चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए यूज किया गया था। ये भी 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, इसरो ने डेवलप किया था। इसमें 2 सॉलिड स्ट्रैपॉन्स है, ठीक है। अब याद रखना, जो मार्क 2 था उसके अंदर 4 लिक्विड स्ट्रैपॉन्स थे और मार्क 3 के अंदर 2 सॉलिड स्ट्रैपॉन्स है, एक लिक्विड बूस्टर है और एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। मार्क 3 को डिजाइन किया गया था ताकि वो 4 टन क्लास ऑफ सेटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जा सके और 10 टन को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाया जा सके, ठीक है, जो जीएसएलवी मार्क 2 की कैपेसिटी का डबल है। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट कौन सा है ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसको आप अपने आप पढ़िएगा। अर्थ के इक्वेटर से करीब 22,000 माइल्स ऊपर होता है ये, क्लियर। और ये स्पेशली किसके लिए होता है, वेदर कम्युनिकेशन सर्वेलेंस। जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो जियोसिंक्रोनस, जिसको जियो स्टेशनरी भी कई बार बोला जाता है अर्थ ऑर्बिट, ये इसके लिए जो स्पेसक्राफ्ट है उसको पहले एलिप्टिकल ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है, जिसको जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। अगर जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में पहुंचना है तो पहले ट्रांसफर ऑर्बिट में जाएगा, तो उसके बाद वो मेन ऑर्बिट में जाएगा। तो अगर हम जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की बात करें तो ये पूरी तरीके से एलिप्टिकल है, ठीक है। और अर्थ, अगर इसका पेरिजी की बात करें तो इसकी पेरिजी उतनी ही है जितनी लो अर्थ ऑर्बिट की होती है, और एपिजी उतनी है जितनी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की होती है। पेरिजी एपिजी मैं आपको बता चुकी हूँ, पेरिजी अर्थ का जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, एपिजी जो अर्थ का फार्देस्ट पॉइंट है। जैसे अगर मैं यहां पर बोलती हूँ दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून इन वन पोजिशन, मून इन सेकेंड पोजिशन, तो ये फार्देस्ट है सेकेंड पोजिशन में, तो दिस इज एपोजी। दिस इज क्लोजेस्ट इन द फर्स्ट पोजिशन, तो दिस इज पेरिजी, ठीक है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टूडे सेशन, एंड अभी हमारा करंट अफेयर्स नहीं खत्म हुआ है, वी विल कंटिन्यू विद दिस, सो स्टे ट्यून। इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू आवर चैनल, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स ऑफ आवर कोर्सेज। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।